नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी आर्मी डे का बहुत सारा शुभकामनाएं। नए साल में नए तरीके से फिर से कोशिश करते हैं एक नई उड़ान भरने की आप लोगों के साथ। वैसे आपको पता है कि आज आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल फ्रांसिस बुश को रिप्लेस करते हुए देन जनरल के एम करियप्पा बने थे पहला इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, बाद में पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जब एक एक्ट के थ्रू इस डिजिग्नेशन को बदला गया। और यहां पर मेंशन करना जरूरी है कि 1986 को उनको फील्ड मार्शल रैंकिंग से सम्मानित किया गया। आज इंडियन आर्मी का न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को ऑफिशियली अनवेल किया गया। न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को नीफ्ट के साथ तैयार किया गया है। इसकी पहली झलक टीसीएल ने पहले ही दे दी थी। एक नज़र देखने से कैमो पैटर्न में आसानी से फर्क नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि पुराना कैमो को ही बस डिजिटल पैटर्न में प्रिंट किया गया है, पर यूनिफॉर्म में काफ़ी कुछ बदलाव लाया गया है। इसकी फैब्रिक हल्का है बट बेटर क्वालिटी की है, एयर ब्रीथेबल है और मेंटेनेंस फ्रेंडली है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि शर्ट की जगह अनटक्ड कॉम्बैट जैकेट को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया। अनटक्ड हो तो कॉन्जेस्टेड एरिया में मूवमेंट में आसानी होती है। ये कंफर्टेबल भी है। हालांकि यहाँ पर कॉम्बैट टी शर्ट की भी मेंशन किया गया है, पर वो शायद क्वार्टर जिप है, मैं स्योरली तो पता नहीं सकता। कॉम्बैट जैकेट में एंगुलर पॉकेट्स दिए गए हैं। अच्छा लगा कि ये देखकर कि वहाँ पर लो विजिबिलिटी पैचेस का यूज़ किया गया है। ट्राउजर्स इलास्टिक के साथ आता है और ग्रॉइन एरिया में कंफर्ट के लिए डबल लेयर क्लॉथिंग है। ये तो थी सिर्फ यूनिफॉर्म की बात। जैसे जैसे हमारे ट्रूप्स के मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उनके पास बेटर वेपन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बेटर बूट्स, ऑप्टिक्स और भी सारे पर्सनल गियर्स आते रहेंगे। आप कह सकते हो कि बाकी देशों की तरह मल्टी कैम, डिसरप्टिव पैटर्न टाइप, मल्टी टेरेन टाइप इट्सेट्रा क्यों नहीं लिया गया? देखो, इसका जवाब देना तो मुश्किल है, पर एक बात जरूर है कि हर एक कैमो की अपना स्पेशलिटी होता है। हर एक अलग अलग टेरेन के लिए कोई स्पेसिफिक कैमो ही काम में आता है, दूसरा टेरेन में वो कैमो शायद उतना इफेक्टिव ना हो। तो अगर आर्मी ने कुछ सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली हर एक टेरेन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन के बाद ही किया है। आगे देखना है कि क्या नया डेवलपमेंट होता है और न्यू कुछ आता है या नहीं, और सबसे बड़ा सोल्जर्स की खुद की एक्सपीरियंस इसके साथ क्या होता है। वैसे ये भी बताना जरूरी है कि हमारी स्पेशल फोर्स के पास टेरेन स्पेसिफिक अलग अलग कैमो यूनिफॉर्म जरूर है, तो आगे ये देखना है कि शायद हमारे रेगुलर ट्रूप्स के पास भी टेरेन स्पेसिफिक अलग अलग कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म आ सकता है। Who knows the future? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इसके ऊपर क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए।